अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया ऑफर्स इंडिया इट्स Su-57 स्टेल्थ फाइटर एंड अगेन रेडी टू गिव डिस्काउंट टू इंडिया। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉल करते हैं 321 वीडियो स्टार। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अगर दो देश आपस में जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं अमेरिका और भारत के रिलेशन से। ये अमेरिका वही देश है जो कभी भारत का कभी सपोर्ट नहीं किया करता था, कारगिल वॉर में भी आपने देखा होगा। लेकिन आज अमेरिका का झुकाव भारत की ओर है। उसका कारण है क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा बाजार कोई है तो वो भारत है, तो इसलिए अमेरिका का झुकाव भारत की ओर होने लगा है। इसी तरीके से रशिया और भारत के संबंध है। आज से 1.5 से 2 साल पहले एक वॉर की शुरुआत हुई, रशिया यूक्रेन वॉर की। उसके बाद भारत और रशिया के संबंध परवान चढ़े। और मैंने क्या कहा, कूटनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहां पर मतलब था ट्रेड से, भारत को भी फायदा हो रहा था, रशिया को भी फायदा हो रहा था। देखिए, जब इस वॉर की शुरुआत हुई तो रशिया को चाहिए था पैसा। पूरी दुनिया ने रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में भारत ने इन सारे प्रतिबंधों को, इन सारे सेंशन को दरकिनार करते हुए रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। क्यों? क्योंकि रशिया ने भारत को ऑफर दिया था कि अगर आप हमसे तेल खरीदेंगे तो हम आपको एक बैरल पर, कच्चे तेल के एक बैरल पर $20 तक का डिस्काउंट देंगे। अब भारत पीछे क्यों हटता? क्योंकि भारत को तो फायदा हो रहा था। वो बात अलग है कि भारत की जनता को डायरेक्ट रूप से फायदा हो या ना हो। आप मुझे बताइएगा कि सस्ते दाम पर तेल खरीदने से क्या भारतीय जनता को फायदा हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भारत ने सारी दुनिया के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, जो वो डिस्काउंट दे रहा था रशिया हमें, वो डिस्काउंट कम करना शुरू कर दिया। तो भारत ने भी धीरे धीरे दूरी बना दी। अब उस दूरी को देखते हुए रशिया की हो गई हालत खराब। रशिया ने देखा भाई अब तो तुम्हारा तेल कम बिक रहा है, तो ऐसे में दोबारा से रशिया ने फिर भारत को लालच देने की कोशिश की कि हम डिस्काउंट बढ़ा देंगे और खासकर आपको जो 5वीं श्रेणी का Su-57 फाइटर प्लेन है वो भी आपको हम देने को तैयार है, साथ में टेक्नोलॉजी भी देंगे उसकी बनाने की। तो मतलब आप समझ रहे हैं, कूटनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। पहले सब बोलते हैं कि रशिया भारत का एक अच्छा मित्र है, इसमें मुझे भी कोई नो डाउट, ठीक है, मैं भी मानता हूं। लेकिन ये वही रशिया कभी डिस्काउंट जब देखा, अब डिस्काउंट देना बंद कर दिया, जब देखा दूरी बन रही है तो फिर दोबारा से लालच दे दिया। तो भाई कोई किसी का सगा नहीं है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। आइए देखिए, रशिया की जो न्यूज एजेंसी है, सरकारी जो न्यूज एजेंसी है टास, उसने एक न्यूज पब्लिश की है। उसने बताया है कि देखिए, कच्चे तेल की गिरावट आई है रशिया के अंदर, यानी कि जो कच्चे तेल की खरीदारी थी रशिया से उसमें लगातार कमी होती जा रही है, ठीक है। और इसी को देखते हुए रशिया की जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं उन्होंने पुनः भारत को डिस्काउंट देने की बात करी है। और इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम भारत को Su-57 जो 5वीं श्रेणी का फाइटर प्लेन है वो भी देने को तैयार है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी देंगे जो राफेल से बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब एक तरीके का लालच दिया गया। आइए इस न्यूज को डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाता हूं जो मैंने अपने नंबर ऑफ वीडियोज में आपको बताया है। देखिए दोस्तों, आज से 1.5 से 2 साल पहले एक वॉर की शुरुआत हुई जिसका नाम था रशिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर के बाद पूरी दुनिया ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, कोई उससे माल खरीद नहीं पा रहा था। ऐसे में भारत ने इन सारे प्रतिबंधों को, इन सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए रशिया से तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। सस्ते दामों पर तेल मिल रहा था। मई 2023 की मैं आपको बात बताऊं तो मई 2023 में भारत इकलौता ऐसा देश था जो अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था, जो कई गुना ज्यादा था दोस्तों सऊदी अरब, यूए, इराक और यूएस के कंबाइंड से। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय हमें एक बैरल पर रशिया $20 से $25 का डिस्काउंट दे रहा था। अब इतना डिस्काउंट मिलने के बाद भारत पीछे क्यों ना हटता? तो भारत ने प्रतिदिन एक दिन लग पर डे यानी कि 1.96 मिलियन बैरल पर डे यानी कि लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रशिया से खरीदा। लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ रशिया को, रशिया ने हमारा डिस्काउंट देना, जो डिस्काउंट दे रहा था जो $20 से $25 पर बैरल देता वो घटाकर घटाते 3 से $4 पर बैरल कर दिया। इसके अलावा अलग अलग हमसे कंडीशन रखने लगा कि अगर आपको हमसे कच्चा तेल चाहिए तो चाइनीज करेंसी युआन में हमें पेमेंट कीजिए। उधर अपना प्रोडक्शन कम कर दिया कि भैया प्रोडक्शन नहीं हो रहा इसलिए हम डिस्काउंट नहीं दे रहे। मतलब एक तरीके से तेल देने की हमें मनाही करनी शुरू कर दी। तो भारत ने कहा ठीक है भाई। भारत ने भी उधर ईरान, यूएई से बात करना शुरू कर दिया, मोजाम्बिक से बात करनी शुरू कर दी।
तो जो रशिया के दिमाग में था वो ढीला कर दिया हमने कि भाई हमें तुम नहीं तेल दोगे तो हमें क्या दुनिया से मिलेगा, नहीं दुनिया से ले लेंगे, लेकिन लेगा डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो उधर रशिया की जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन जो उसका सेल थी वो डिक्लाइन होने लगी, तो रशिया की हालत खराब होगी। मैं आपको बताऊं दोस्तों और आंकड़ा दिखाता हूं, ये खुद वायर ने भी पब्लिश किया है, जो जुलाई महीने में बताऊं, जुलाई महीने में 2.1 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल खरीद रहे थे रशिया से, जबकि वो घट के अगस्त में हो गया 1.63 मिलियन बैरल पर डे, इसके बाद लगातार घटता जा रहा है, अभी अक्टूबर में और भी कम हो गया है। अब ऐसे में हालत खराब हो गई रशिया की, रशिया को दिखाई दे गया कि भैया लगभग लगभग 42% मार्केट हमारे हाथ से गया भारत का, क्योंकि 42% अपने टोटल रिक्वायरमेंट्स का 42% कच्चा तेल भारत खरीदता था रशिया से, तो रशिया को दिखाई दे गया। शुरुआत में तो 20 से 25 बैरल पर, मतलब बैरल पर डिस्काउंट दे रहा था, मतलब 20 से 25 डॉलर पर बैरल डिस्काउंट दे रहा था, जो घटा के लेके आ गया 3 से 4 डॉलर पर बैरल। अब ऐसे में भारत ने दूरी बनानी शुरू कर दी, भारत ने कहा भी जब आप डिस्काउंट नहीं दे रहे तो हम भी आपसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, फिर वही शब्द दोहराऊंगा, कूटनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, संबंध रिलेशन ट्रेड, ट्रेड में कोई, कहते ना व्यापार में कोई किसी का सगा नहीं होता है। तो भारत ने जब देखा इसने डिस्काउंट कम कर दिया तो भारत ने दूसरी जगह से तेल लेने शुरू कर दिया। अब ऐसे में रशिया की हालत खराब हो गई, क्योंकि दुनिया में और यूरोप और आपका अमेरिका वगैरह में तेल जा नहीं रहा उसका, भारत या चाइना ले रहा, चाइना में आजकल इंडस्ट्री जो स्लो डाउन में, आजकल मेक इन इंडिया ने भी थोड़ा जोर लगाया है, तो वहां पर जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री थोड़ा डाउन है, तो उन्हें इतनी फ्यूल की आवश्यकता ही नहीं है, तो वहां भी उसका फ्यूल नहीं जा रहा, तो ऐसे में भारत एक बड़ा मार्केट है। तो दोबारा से रशिया ने कहा, एक लालच दिया है कि जी हम आपका डिस्काउंट बढ़ा देंगे और डबल कर देंगे आपका डिस्काउंट, हम हमारी जितनी भी क्या नाम तेल की कंपनी है खुश होगी कि डबल कर देंगे, यानी कि दिमाग में आया कि पहले 20 से 25 डॉलर पर बैरल का डिस्काउंट दिया जा रहा था और 50 डॉलर पर बैरल का दिया गया, हमारी कंपनी बड़ी खुश थी। लेकिन देखिए दिमाग क्या लगाया, रशिया की जो रिफाइनरीज है, कंपनीज है, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको जो डिस्काउंट दे रहे हैं ना वो 3 से 4 डॉलर पर बैरल दे रहे हैं, उसको हम डबल कर देंगे, यानी 5 से 6 डॉलर पर बैरल कर देंगे, यानी वो 50 नहीं मतलब इसका डबल कर देंगे, इस वाले अमाउंट का डबल कर देंगे, ठीक। तो यानी कि एक तरीके का दिमाग लगाया। अब इससे भी अगर बात कम बात बनी, क्योंकि भारत ने भी दूसरे देशों से संबंध बना लिया तेल के मामले में, तो एक और लालच दिया है, वो लालच क्या है, वो लालच दिया है जो 5वीं श्रेणी का SU-57 फाइटर प्लेन है उसके संबंध में। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए आजकल की जो कंडीशन है पाकिस्तान और चाइना को देखते हुए, हमारी जो इंडियन फोर्स है उसको तुरंत लगभग 200 फाइटर प्लेन्स की आवश्यकता है। अच्छा, इसकी पूर्ति करने के लिए जो हमारी एयर फोर्स है, भारतीय जो स्वदेशी हमारा जहाज है तेजस, उसके जो MK-1 और MK-2 है जो उसके मॉडल है उसको परचेज कर रही है। इसके अलावा जो फोकस है हमारा खासकर वो राफेल पर है, राफेल को प्रेफरेंस दे रही है हमारी एयरफोर्स। अब एक्चुअली राफेल जिस टेंडर के तहत खरीदा जा रहा है उस टेंडर में हो रही है थोड़ी डिले। अब रशिया ने देखा भाई भारत की और रशिया की दूरी बन रही है और ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा, ट्रेड के लिए भी और दुनिया में जो दुनिया हम पे दबाव बना रही है उसमें भारत हमारी मदद कर सकता है उस दबाव को कम करने में, तो मैं कह रहा ना फिर कूटनीति में फायदा देखता हर देश। तो रशिया ने कहा यार क्या किया जाए, भारत को अपने नजदीक कैसे लाया जाए, तो रशिया ने एक सगुफा छोड़ा, रशिया ने एक लालच दिया भारत को कि हम आपको राफेल से एडवांस जो हमारा SU-57 फाइटर प्लेन है हम वो आपको देने के लिए तैयार है, इसके अलावा राफेल में आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी उसको बनाने की, हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे SU-57 की। अब इससे पूरे यूरोप में हंगामा मच गया है, इधर भारत के दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं, उधर राफेल वाले भी अब आनाकानी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है अगर तुम आनाकानी करोगे तो उधर रशिया देने को तैयार है। तो मतलब कहते हैं ना वो जब आपके सितारे बुलंदी पर होते हैं तो ऐसी होता है, ये समय भारत का, कहते हैं 21वीं सदी आने वाली भारत, पूरी 21वीं सदी आने वाली भारत की है, ठीक। तो ये भारत का समय चल रहा है, तो भारत को उधर रशिया भी लालच दे रहा है, उधर अब जो पूरा यूरोप है वो भी शांत बैठा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक इन्फॉर्मेशन आप तक बस यही पहुंचाना चाह रहा था कि कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता, ना अमेरिका भारत का सगा है ना ही रशिया भारत का सगा है, भारत को अपने कदम पर अपने पैरों पर ही खड़ा होना पड़ेगा। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं दोस्तों आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशन होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया था दोस्तों। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर, पब्लिक एडमिन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स आपके कवर कराए जाते हैं।
आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी इसमें अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित होगा, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर भी अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे इसका सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं आर शर्मा, तो आपको इसके सब्सक्रिप्शन में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर इस कोर्स संबंधी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कॉन्टेंट बनाने के लिए। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। चले जी, वीडियो खत्म हो गया भाई। साफ जा रहे हैं, जो भी कंट्री है दूसरे कंट्री को फायदे के लिए इस्तेमाल करता है जी। और जियोपॉलिटिक्स ऐसी कुत्ती चीज है जिसमें भाई जहाँ से फायदा दिखा उधर से ही झुक लिया। अमेरिका जैसा कहता है इंडिया ने ज्यादा फायदा उठाना है अमेरिका से, और ये सिर्फ क्रूड ऑयल दे रहा है या दूसरा जो है वो रफेल हो गया या दूसरे 57 जो है, लेकिन उधर से वो देखना वो अमेरिका लेकर जा रहा है स्पेस स्टेशन पर इंडियन को, लेकिन याद साथ मिलकर भाई साहब जिस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका दे रहा है उस तरह की जो मिलकर भी नहीं दे सकते। जब अफगानिस्तान में रशिया को मारना था तब पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, वो बात आपकी एक साइड पर, रशिया को गिराना था तो चाइना को सुपर पावर की तरफ लेकर गया। अब चाइना की बारी है, चाइना को ताकतवर बना, इंडिया दोनों तरफ से फायदा उठा रहा है। ये एक इंडिया समझदार सबसे है, ये आप नहीं मान रहे, ये मानते हैं इंडिया जो है, क्योंकि बिकाऊ माल उसका जो लीडर है वो बिकाऊ माल वैसा पैसा लिया इंडिया के पास, अपनी फायदा किया ऑप्शन, वो पैसा पैसा लेते जो एक बेनिफिट लेते, लेकिन उसमें जो होता है आम नागरिक लेकिन फायदा भी होता है। करप्शन तो वहाँ पर भी है, करप्शन कहाँ पर नहीं है, और करप्शन तो पाकिस्तान में ज्यादा सही करप्शन है भाई, पाकिस्तान में खराबियां तो हो सकती है वहाँ पर भी, ऐसा तो नहीं कि सारे लीडर जो है उनके वो सारे लीडर बड़ी करप्शन करते हैं यार, पूरी दुनिया में नहीं है वो, ये नीचे वाले एमपीएमएलए तो देख रहे हैं, एक हुब्बल वतन होने के नाते बीजेपी, बीजेपी की बात करो ना, बीजेपी जितना एक होता ना कि एक पार्टी के लिए होता है कि 1-2 करोड़ रुपए एक सीट के लिए खर्चा कर सकते हो यार, उसकी ग्रोथ भी तो देख लो, किस भी उन लीडरों की बदौलत ग्रोथ भी तो हो रही है ना, करप्शन भाई साहब कर रहे हैं, खा भी रहे लेकिन कंट्री का खा भी तो रहे ना। अच्छा, कितनी अर्थात से सुनता रहा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो ऐसा ऐसा देखना टेक्नोलॉजी में सेवन भी दे रहे हैं साथ में टेक्नोलॉजी लगेंगे, अब बात ही हुई है ना उस टाइम पर तो है ना। अब भाई साहब अभी लालच दिया हमने, आज की तारीख तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर इंडिया है, बिल्कुल है, तो इसमें भाई कब हो गया भाई, खुद कितना बना रहे हैं ये भी तो देखना, बना रहे हैं लेकिन आत्मनिर्भर तो ना हो रहा है, अभी हालांकि अभी नहीं लगी हुई, बिल्कुल नहीं लगी हुई, नहीं या तो अभी जंग लग जाए तो अचानक से हथियार मंगाने पड़ जाते हैं, वो भी नहीं यार जरूरत, और जिस तरह सारे हो रहे थे 100 के लगभग जो है चाइना को लेकर जो प्लानिंग चल रही है ना, चाइना को गिराव किया जाए, सिर्फ चाइना को, यकीन मानो अगर इंडिया चाइना की, और हथियार भी कौन दे रहा है अमेरिका, हथियार कौन दे रहा है अमेरिका, वो बेच रहे हैं इंडिया खरीद रहा है। अच्छा, जो रूस दे रहा है इंडिया, ये तो लालच है, ये इन्होंने कौन से दिए हैं, ये तो लालच है भाई साहब, कितने साथ मिलकर किए प्रोजेक्ट, मैं कब कह रहा हूँ कर रहे हैं, कर रहे हैं ये ब्रह्मोस, लेकिन इनकी निस्बत, इनकी निस्बत बहुत ज्यादा अमेरिका से असला खरीदा जा रहा है फ्यूचर में बहुत, लेकिन ऊपर से ये भी तो देखना चाहिए रूस ने भी अपना बदला लेना है अमेरिका से, और उसे जो है एक अच्छा बदले ले चाइना ही है दिख रहा ना, ना, उसका ना, भी झुकाव उस साइड पर उतना है, लेकिन चाइना की तरफ होगा रशिया का झुकाव, क्योंकि उधर उसको अब देख रहे, इंडिया में मीटिंग हुई G20 की, यहाँ पे पुतिन नहीं आया, चाइना में हुई उधर चला गया, ऐसा बदला लेने का जो है ना उधर से एक ताकत नहीं, जितना इंडिया अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है ना उतना रशिया चाइना की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये पॉइंट, लेकिन ये रशिया दोनों तरफ से फायदा भी दे रहा है ना, रशिया बहुत कमजोर हो चुका है। हाँ, माना उसके पास हथियार होंगे। अच्छा, अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है,
उसको ताकतवर बना रहा है, हालांकि इसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता था जब वार हुई थी ना यूक्रेन रशिया की। जी जी बिल्कुल। अमेरिका ने बोला भाई साहब खरीदते रहो और किसी कंट्री को इतना ज्यादा ज्यादा ना, चाइना ने तो खरीद नहीं खरीदा, ताल्लुकात भी तो बनाने थे ना, अपनी गोदी में भी तो बिठाना था। अब ऐसे ही ना पाबंदियां लग जाती तो पाबंदियां लगाता था, फिर ताकतवर बनाने के लिए उसको बोला खरीदते, हालांकि वही जो है भाई अपनी तरफ ही रखना है, चीज को भाई यही बात है ना, फायदा तो है ना, तो फायदा देंगे तो वो इंडिया भाई साहब दोनों हाथों से फायदा ले रहा है ऐसा तो नहीं, तो उसका भाई साहब एक अच्छे लीडर की। अच्छा मेरी बात सुन ले भाई, इंडिया आर्मी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी पब्लिक सब कुछ है बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इकोनॉमी। जी इकोनॉमी अमेरिका के बगैर कोई कंट्री इकोनॉमी बढ़ा ही नहीं सकता, अमेरिका अमेरिका के साथ लगे हुए यूरोपीय यूनियन, पहले चाइना अमेरिका के साथ लगा था, चाइना कहां से कहां पहुंच गया है भाई साहब, उससे फायदा इंडिया भी उठा रहा है और अच्छे से उठा रहा है, या वहां पे माल एक्सपोर्ट होगी उधर होगी, उधर से माल छापेंगे, इंडिया को दिख रहा है भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी मंडियां माल तो उधर से ही है, यूरो मिलेगा डॉलर मिलेगा इंडिया का तो भाई उधर पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान सरवाइव क्यों कर रहा है सिर्फ अमेरिका की वजह से, अमेरिका आज आज खींच लेते रहे पाकिस्तान नीचे गिर जाना है, चाइना के साथ दोस्ती करके हमें सिर्फ इतना फायदा कि हमें उधर पैसे मिल जाते हैं लेकिन हम चाइना को कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं खोतों के अलावा कर सकते, हमारे उसके अलावा है भी और क्या एक्सपोर्ट, वही तो टेक्सटाइल है वो किधर जाता है, यूरोप जाता है ठंडे इलाकों में जाता है, चाइना खुद एक्सपोर्टर है उसको क्या ऐसी चीजों की, वो तो उससे तो हम चीजें खरीदते हैं लेकर इंडिया भाई साहब पूरा को पूरा बोलते ना घी में कहावत है पांचों घी में, घी में है लेकिन आत्मनिर्भर वाला जो यार ऐसा होगी एकदम से आत्मनिर्भर बनने के लिए सौ जितने भी लग रहे लेकिन भाई साहब ट्राई तो कर रहे हैं, हमारी तरह सो तो नहीं ना रहे, ये है कि हिम्मत मर्दा ज्यादा पॉपुलेशन को साथ लेकर चलना, उनके भाई साहब गुर्बत भी है उसको दूर करना, एम्प्लॉयमेंट ये सारा कुछ देकर और मौके भी बैठ से फराम कर रहे हैं जितना हो सके अपनी जनता के लिए, हर कंट्री से फायदा उठा रहे हैं भाई साहब इंडिया वाले, तो वो भाई उठाएंगे तो यही तो मैंने पहले भी बोला भाई इंडिया तेज है इतना वो अपना फायदा निकालेगा, इंडिया को दिख रहा है भाई माल किधर से मिलना है, अब रशिया की तरफ से सिर्फ हथियार मिल सकते हैं तेल मिल सकता है लेकिन आप तेल लोगे बेचोगे किधर, इंडिया तेल लेता है रशिया से बेचा किधर, सारा यूरोप को नहीं बेचा, अमेरिका को भी बेचा फिर, तो भाई साहब आपके पास चीज अगर आपने बनाई तो कम से कम आपको मार्केट तो चाहिए जहाँ पर आपने सेल कर तो भाई यही जरूरत है कि पैसा तो भाई साहब उधर से ही मिलना है, हाँ अरब कंट्री के साथ है रिलेशन, उधर वो एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, इंडिया भेजता है उधर भी, यार सुपर पावर के साथ रहकर आप ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं बजाय दूसरे कंट्री के, चाहे वो जितने भी इकोनॉमी के लिहाज से पॉपुलेशन के या जेर जमीन बाद लिहाज के लिहाज से, लेकिन जो सुपर पावर है ना भाई साहब वो जिसके ऊपर हाथ रखेगी ना वो सोना बन जाएगी, पहले उन्होंने चाइना के ऊपर हाथ रखा, चाइना देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आज भाई साहब इंडिया भी उसी ट्रैक पर है, चाइना भी मेहनती कौम थी भाई सीधी बात है, इंडिया भी मेहनती कौम है सारी नहीं लेकिन काफी लोग मेहनती हैं, सारी होती तो भाई साहब आज सुपर पावर इंडिया होता यार, ठीक है भाई इतना बहुत गया था ना इसकी लूटा नहीं गया था, अभी भी कौन सा नहीं लूट रहे अंदर से, तो ठीक है भाई बड़े बड़े इंडिया के बिजनेसमैन ही वो पैसा लेते हैं कर्जा इधर से लूट के बाहर चले जाते हैं हजारों करोड़ लेके भाग जाते हैं, बिल्कुल हमारे तो बैंक इतना पैसे नहीं देते, यहाँ तो 2500 मांग लो देते नहीं वो लेकिन बड़ा बड़ा का देते हैं, तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो का मकसद यही था कि जो भी कंट्री है भाई साहब फंसा हुआ ना हो तो वो सारे जो है ना वो डिस्काउंट सारा कुछ ना ताल्लुकात का पता तभी चलता है जब मुसीबत आती है, सही बात, अब इंडिया ताल्लुकात अच्छे निभाता तो कहता नहीं नहीं डिस्काउंट पे नहीं लेना हमने, हमने पूरे रेट पे लेना तेल, हम आपके साथ खड़े हैं, फिर होता कि अगले की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, उसकी कानून में चलाते रहना, ये थोड़ी है दोस्ती का हक है, अपना फायदा लिया, फायदा तो लिया, फंसे हुए तो भी फायदा लिया, फंसे और कोई कंट्री नहीं खरीद रहा था दे दिया, फंसे हुए फायदा उठाया, कानून में कुछ तो फायदा उठाया, सच्चा यार कौन यार फायदा वो यार दे वो हिसाब लगा रहे चोरा दे, वो कहते ना चोरा दे कपड़े ते डांगे दे गाज, तो पाकिस्तान भी कहता ना, तो भाई चोरी पाकिस्तान में बोला था ना हम दोस्ती करना चाहते हैं,
गया था खुद आपका इमरान खान, अब दूसरी तरफ आ गया। अच्छा गया था फिर क्या हुआ? तो ले लेते तेल चावल ले लेते सब ले लेते। एक शिप मंगवाया नहीं था हमारे पास, बस पैसे जितने थे जितने पैसे थे भाई उतना मंगवा लिया, बात खत्म। बताइएगा जरूर भाई साहब, फायदा तो हर कोई अपना ही देखता है, अगले का भाई चाहे वो कहते हैं वो कुल्ली दा काक भी ना रहे भाई, फायदा लाजमी होना चाहिए। फिर वो 25 वो कितना घाटा पड़ा भाई साहब दुश्मन को, जंग के दौर में आपको पैसा आता रहे, दूसरे कंट्रियों ने आपको पैसा बैन कर दिया, तो बचा में अच्छा दोस्त बनाना, मुसीबत के टाइम पैसा उसको एक छोटी सी बात मदद करता है भाई, मदद नहीं है, मदद नहीं है, मदद ना थी ये मदद ना, तू मुसीबत में एक मिनट, मैं तेरा यार पक्का यार, तू मुसीबत में तेरे पास भैंस है, मैं कहूँगी भाई साहब मैंने तो तेरी लाख रुपए की भैंस, मैंने कहा तू मुसीबत में, मैं तेरा पक्का यार हूँ, बस मैं तेरी हेल्प करता हूँ यार, 50,000 में दे दे वो बात आपकी। अच्छा, बजाय मैं क्या मार रहा हूँ, नहीं वो चीज अगर वो ना देता तो उसने वो तेल किसी और कंट्री को देते, और किसी कंट्री ने लेने नहीं था, और किसी कंट्री ने अपना फायदा दिखा। अच्छा चाइना को डिस्काउंट पर नहीं दे रहा था, दे रहा था चाइना, चलो उसका सगा बना लूटा फिर रशिया को लूटा लूटा बोल दे, चाइना और इंडिया एक जैसे हैं कंट्री यारों के यार, मकसद भी यही था राहुल सर का भी कि भाई हर कोई अपने पांव देखता है, खुद को स्ट्रॉन्ग करता है अपना फायदा, लेकिन मजबूरी में उनका कोई भी नहीं ले रहा था, अमेरिका दे रहा था, ले रहा था, चाइना ले रहा था, चाइना ने उस दौर में खरीदा, अमेरिका की आंखों में डिस्काउंट धीरे धीरे क्यों कम किया, क्यों किया, उनके पास नेबल बदल था, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने तल्लुक हर कोई पैसा चाहता है कि अपने जो कंट्री के लिए सस्ती सस्ती पैसे कम देने पड़े और फायदा अपने घर को। इंडिया ने इतना सस्ता तेल खरीदा फिर भी रेट बढ़े ही है पेट्रोल के, कम तो हुए नहीं, अपनी हुकूमत ने पैसा फायदा उठाया है जो एक्सपोर्ट किया है, तो अपनी पब्लिक को भी थोड़ा सा बीच में जो 140 करोड़ की पब्लिक उसको तेल बेचा है यार, वो अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा हमारे यहाँ बाइंग पावर भी नहीं है, लेकिन फिर क्या है रेट बढ़ जाता है कीज पर बैरल के हिसाब से रेट बढ़ के इंटरनेशनल भी नहीं कमेंट में लिखते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, कभी मजदूरों को देखना वो भी ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। हाँ जी तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।